हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ एंटोटेक। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि VN एडिटर से कैसे आप वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन करोगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको ये प्लस वाला बटन दिख रहा है नीचे, इस प्लस बटन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो वाला वीडियो एडिट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे तीन वीडियो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर ये जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से जब ओपन होगा तब आपको हाथ से उंगली से इस तरीके से राइट साइड में आना है। फिर देखना, एक काला एक ऑप्शन आएगा ऐसा ब्लैक कलर का, और यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन में। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना। अब ये जो है हो गया है। अब आपको क्या करना है, एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट करना है, आपका वीडियो किस एस्पेक्ट रेशो में आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे 16:9 अगर यूट्यूब के लिए बनाने रहो तो ये वाला, कि इंस्टाग्राम के लिए ये भी, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, मतलब शॉर्ट वीडियोज़ के लिए, तो कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से 2:1 को सिलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हो इसका जो साइड है कुछ इस तरीके का अल हो चुका है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का, आपको नीचे देखो मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे आपको आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉप। ठीक, यहाँ पे आपको आना है। अब जो वाला एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट करोगे उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2:1 सिलेक्ट कर किया था वहाँ पे, तो मैं यहाँ से 2:1 सिलेक्ट करूँगा। और अगर आप वहाँ पे 16:9 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 16:9 सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप एक टिक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना, राइट कर देना। अब ये वाला भी ऑप्शन देख सकते हो, लेफ्ट और राइट कॉर्नर कुछ अलग तरीके का हो चुका है। तो इसको भी ठीक करने के लिए क्रॉप में जाना है, फिर 2:1 में सिलेक्ट करना है, फिर टिक मार देना है, फिर यहाँ पे भी आना है, क्रॉप में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे 2:1 में मैंने क्लिक किया और राइट कर दिया। बस आपका काम हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए ऊपर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से आप देख के सीख सकते हो। यहाँ पे ये जो है हेल्प है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल से। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को सेव कर सकते हो। तो वीडियो को सबसे पहले हम एडिट कर लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले ये वाला मैं समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक बटन है इसको प्ले करने के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है म्यूज़िक का, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर म्यूज़िक में क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर म्यूज़िक में क्लिक करना है दोबारा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा म्यूज़िक चाहिए। अब ब्लॉग सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक हैं। ये देखो, अगर मैं मुझको वो वाला वीडियो चाहिए, ये वाला सॉन्ग, तो यहाँ पे यूज़ में क्लिक करना है। फिर इसको जो है आपको मतलब 30% के आसपास रखना है, 30% वॉल्यूम जो है ये रहता है। लेकिन अगर आप मतलब आप बातें नहीं करोगे तो इसको 100% रख सकते हो, तो मैं इसको 20% रखूँगा। ये देखो, अब मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब ये देखो, तो यहाँ पे जो है मैं वीडियो को, अगर आपको ये वाला डिलीट करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे डिलीट कर देना है। मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि मैं अगर आपको समझा नहीं पाऊँगा इससे, क्योंकि मेरा जो आवाज़ है वो अलग हो जाएगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ चीज़, ये मैंने लिया। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने इसको एकदम कम कर दिया। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, फिर यहाँ पे देखो साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है। तो देखो सपोज मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, अब देखो तो ऐसा होगा। आपको डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट कर सकते हो, या तो इसको अगर मुझे वहाँ पर लेके जाना है राइट साइड में, इसको मैं प्रेस करूँगा तो वो जो है सिंपली चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिलीट करना है तो ऐसे ऐसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पे रिकॉर्ड का, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके ये वाला रेड वाला बटन क्लिक करोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा।
मजाक कर रहा था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर रेड वाला बटन क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो है आपका वॉइस रिकॉर्ड होगा, माइक्रोफोन इस्तेमाल होगा और आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है टाइटल, एक है टाइटल टेम्पलेट। तो सबसे पहले टाइटल में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टाइटल में सेलेक्ट करने के बाद देखिए स्टैंडर्ड ये वाला जो भी चाहे ले सकते हैं, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम लिख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, तो ये हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया। ऐसे हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं जो है ज़्यादातर ये वाला इस्तेमाल करता हूँ और इसको जो है छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर का, यहाँ से कलर को चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे वाइट ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ से आप बॉर्डर बना सकते हो, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे शेडो इस्तेमाल कर सकते हो, ये देखो। तब मैं यहाँ से ये वाला ऑफ कर देता हूँ। मैं ये वाला बैकग्राउंड में आके इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ। इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वाइट ही रखूँगा, इसको ब्लैक रखूँगा। और इसको मैं यहाँ से राइट कर दूँगा और इसको जो है मैं इधर उधर कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अगर मुझे इसको बहुत दूर तक लेके जाना है, तो ये जो देखो एक एरो है, इसको यहाँ से लेके चला जाना है। तो मैंने इसको जो है पूरे वीडियो में लगा दिया है। बस ये जो है हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये देखो, यहाँ से जो है आप ग्रीन स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने स्टॉक के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक वीडियो लेता हूँ ये वाला। तो ये जो है मेरा एक सब्सक्राइब बटन है, तो ये जो देखो ग्रीन वाला ऑप्शन है, तो इसको आपको हटाना है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है क्रोमा की का, तो वहाँ से जो है इसको इजीली हटाया जाता है। तो ये इस अभी जो है नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखो अब जो है ये आ गया है क्रोमा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। फिर यहाँ पर देखो क्रोमा लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पे लेके आना है और देखो ये जो है हो गया। अगर मुझे इसको इधर उधर करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। तो कुछ मैंने इसको इतना छोटा रखा, ओके अब ये जो है ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है वीडियो का, तो यहाँ पर जो है वीडियो को ले सकते हो, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर एक ऑप्शन है साउंड को ऑन ऑफ करने के लिए, तो साउंड जो है ऑन ही रहेगा। अगर आप इसको म्यूट करना चाहते हैं तो इसके क्लिक करना हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेन ऑप्शन आता है यहाँ पर टेम्पलेट का, फिल्टर का। तो यहाँ पर फिल्टर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कौन सा फ़िल्टर आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो सपोज़ मुझे इस वीडियो में यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगना चाहता हूँ, तो इसके मैंने क्लिक किया। ये देखो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर ले लिया, देखो इस तरीके से जो है फ़िल्टर का इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर है स्पीड, तब कौन सा पार्ट स्पीड कम या ज़्यादा करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद स्पीड में क्लिक करो। अब देखो अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँगा तो इस तरीके का, अगर पूरा वीडियो है स्लो मोशन में पूरा स्लो कर देना है तो इसको ऐसा कर दो, एकदम स्लो हो जाएगा। अगर पूरा अगर फास्ट करना है तो सब कुछ फास्ट कर दो, ये देखो। तो ऐसे जो है ये हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट का, तो अगर आपको कोई भी एक वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो तीन पार्ट में, तो यहाँ से स्प्लिट में क्लिक कर सकते हो और ये जो है पार्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिम का, तो सपोज इस वाले वीडियो को मुझे ट्रिम करना है, तो ट्रिम पे क्लिक करना है और इसको जो है मैं छोटा और बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं कौन ये वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, ऐसे मैंने इसको ले लिया। यहाँ से ट्रिम ना करके आप यहाँ से भी ऐसे ऐसे इसको जो है ट्रिम कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है एफएक्स का, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एफएक्स में क्लिक करना है, फिर यहाँ कौन सा वाला आपको लेना है यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, क्लिक करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ ऐसा होगा, अगर ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसा होगा, ये वाला अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसा होगा।
तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट का, तो अगर आपको कोई भी पार्ट है यहाँ से इसको मुझे अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो, या तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया तो इस बोले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वापस वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं है इस वाले वीडियो में, इसी वजह से ये जो ऑप्शन है ये ऑफ है। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो से अगर मैं ये वाला क्लिक करता हूँ तो इसका जो ऑडियो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जो पहले जैसा था उसको वैसा ही बना देता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद। फिर यहाँ पर ऑप्शन है वॉल्यूम, इसमें क्लिक करने के बाद वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये तो वॉल्यूम एकदम कम हो गया, ऐसे वॉल्यूम को चेक कर सकते हो। ये उतना यूज़फुल नहीं है, बीजी ये वाला भी यूज़फुल नहीं है उतना। ठीक है, ये तो बस ये बैकग्राउंड को चेक करने के लिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉप का, तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया है। फिर यहाँ पे है मिरर, इसको जो है उल्टा कर सकते हो, वीडियो को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, फिर फिट है, ये वाला भी उतना यूज़फुल नहीं है। फिर यहाँ पे कैपेसिटी जो है आप वीडियो को ऐसा ब्लर टाइप कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे है जूम, कौन सा पार्ट आपको जूम करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, जो है वो जूम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्स, तो मैं आपको कौन सा रिवर्स करके दिखाऊँ। ठीक है, तो मैं जो है इसको पहले स्प्लिट कर लेता हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक, ठीक है। अब इसको जो है मैं रिवर्स करूँगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्स का, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। अब ये जो है टाइम लेगा, प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये जो है हो गया, देखो। ये देखो इसका साउंड जो है वो हट गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रिज का, इसमें अगर क्लिक करूँगा तो ये जो है स्टॉप हो जाएगा। ये देखो ये जो है ऐसे स्टॉप हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा वो वाला पार्ट। और ये है फॉरवर्ड का, ये जो है ऊपर चला गया। ठीक है, और अगर आपको कोई भी, अब यहाँ पे मैंने आपको नीचे वाला सब कुछ समझा दिया है, अब अगर आप कोई भी वीडियो के ऊपर टैप करते हो तो यहाँ से कुछ ऑप्शन आते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो दो बार, मतलब यही वाला वीडियो अगर आपको इधर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, फिर डुप्लीकेट में क्लिक करना है, जो है दो दो ऐसे इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे लेके छोड़ दे दूँगा और वो जो है उधर चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये वाला ऑप्शन है डिलीट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो है ये स्टिकर वाला, तो यहाँ से आप स्टिकर लगा सकते हो। और ये टेक्स्ट है, ये वाला टाइटल टेम्पलेट, तो यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो एनिमेशन करके टेक्स्ट आएगा, सपोज मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कैसा लगता है, देखो ये जो है कुछ इस तरीके का है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे भी आप भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो को जो है वो जूम करना है, मतलब बड़ा करके देखना है, तो ये वाला बटन को क्लिक करना है और ये जो है प्ले होने लगेगा। तो मेरा वीडियो जो है ठीक ठाक मैं एडिट नहीं किया, बस आपको समझाया है, आप ठीक से आप एडिट कर लेना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसको जो है मैं एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो दोस्तों, इसको सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद ये जो है सिंपली सेव हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो ये जो है सेव हो रहा है।